कहाँ लेटरिन में चली गई क्या तू? पागल हो रही हो क्या? आवाज तो कुछ नहीं आ रही है। क्या बात है कि तो कुछ ज्यादा मीठी लगी है, चीनी खा दी। उधर हमारा गिल्लू भैया टॉस के समय पर बोल जा रहे हैं बैटिंग लेना है या फिर बॉलिंग, पता नहीं किसके यादों में खोए रहते हैं। और इधर रचिन रविंद्र भाई को किसका याद आ गया था, जीटी के बॉलर्स को सारा गुस्सा निकाल दिया। लग रहा है पिछला मैच में जो आउट होने के बाद जो उंगली किया गया था उसका गुस्सा था या फिर कुछ और का गुस्सा था। कुत्ते की तरह एकदम धो रहे थे पावर प्ले में जीटी के बॉलर्स को। वो तो इनका आउट होने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, नहीं तो ये सारे बॉलर्स को प्रसाद अच्छे से बैठ रहे थे। इमेजिन करो कि ये अगर 10-15 ओवर तक रह जाते तो क्या होता, वही होता जो मंजूर है खुदा। रचिन रविंद्र के आउट होने के बाद थोड़ा ऋतुराज भी तोड़ने लगे इन लोगों को, मतलब सांस ही नहीं दे रहे हैं। और ऋतुराज के आउट होने पर भाई शिवम दुबे का एंट्री होता है, और शिवम दुबे भाई जो बैटिंग करता है दे छक्के पे छक्के, दे छक्के पे छक्के, भाई इतना छक्का कोई मारता है का? बहुत मारा, मतलब अब वो भी छोटा मोटा छक्का कोई मारता है तो ना, मारता है इतना लंबा लंबा भाई कि एकदम बॉलर के एकदम दिल पे जाके लगता होगा। शिवम दुबे के डर से तो भाई टीम भाई अपना स्पिनर्स को भी बॉलिंग देने से मना कर रहा है, लेकिन वो भाई सिर्फ स्पिनर को नहीं फास्टर को भी इस साल धो रहा है अच्छा से। ऐसा बैटिंग शिवम दुबे के देखने के बाद लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन पक्का होने वाला है और कोई हटने वाला है अगर ऐसा ही बैटिंग कंटिन्यू रह गया तो। रोहित भाई थोड़ा ध्यान दे देंगे तो कुछ भी हो सकता है। और अब शिवम दुबे के आउट होने के बाद भाई सब लोग इंतजार करते रह गए धोनी का, लेकिन आए बैटिंग करने समीर रिजवी, और आते आते भाई दे छक्का मारा वो भी रशीद खान के गेंदा पे। आप लोग समझ सकते हो रशीद खान का खेलना भाई कितना टफ हो जाता है, वो भी आते आते एकदम जीरो बॉल पे, और वो बंदा आकर सिक्स मारा अपना डेब्यू में फर्स्ट बॉल सिक्स। तो आने वाला CSK का फ्यूचर भाई देख सकते हो आप लोग ब्राइट है। और बात कर लेते हैं धोनी के कैच के बारे में, इसको बोलते हैं भाई थाला फॉर दिस सीजन। आप लोग देख लो भाई, हम लोग को कोई इधर उधर जाने के लिए भी बोलता है तो पैर दर्द देता है अभी 18-19 साल एज में। और 42 साल का एज में भाई आपको चीते की रफ्तार से आपको कैच पकड़ता दिख रहा होगा, सोचो किस प्रकार का फिटनेस होगा। बाकी सेकेंड इनिंग में तो भाई कोई ऐसा मोमेंट ही नहीं मिला जिसपे बात कर सके, सब आया टट्टी जैसा खेल कर चला गया। मेरे को तो मन में डाउट हो रहा है कि GT को MS धोनी इसलिए हरा है क्योंकि उनका शिष्य को कोई पिछला मैच में गिल्लू भैया हरा दिए थे शायद। ये गिल के बच्चे को आए अभी 2 साल से ज्यादा हुए कि नहीं, ये मेरे शिष्य हार्दिक पांड्या को हराएगा, इसलिए इसके टीम को हराया मैं बदला लेने के लिए, मेरे शिष्य को मैं दुखी नहीं देख सकता हूँ। अब बताइए ना, इतना लोग घेरे हुए रहते हैं, देखिए भाई साहब हमको जो है अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है, एक तो टेंशन है। बाकी आपके लिए इतना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।